गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इसके टू पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज हम थर्ड पार्ट को देखेंगे तो लास्ट पार्ट में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन की Uh, इसमें दो प्रोसेस uh, होती हैं एक तो होती है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स एंड सेकेंड वन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स टुडे वी विल स्टार्ट विथ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली थ्री इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इसमें क्या होता है गैमिटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड गैमिट फ्यूजन होता है फर्स्ट वन इज गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को गैमिटोजेनेसिस बोला जाता है गैमिट्स आर जनरली ऑफ टू काइंडस गैमेट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली हैं जैसे इन सम लोअर ऑर्गनिज्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं लोअर uh, जैसे नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत मेल एंड फीमेल गैमिट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली मीन्स स्ट्रक्चरली तो उनको बोला जाता है उन गैमेट्स को क्या बोला जाता है आइसोगेमेट्स या फिर होमोगैमेट्स, ठीक है इन हाइयर ऑर्गेनिज़्म में बहुत गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं और उनको हेट्रो गैमेट गैमेट्स बोला जाता है क्या बोला जाता है हेट्रोगट्स बोला जाता है ओके हेट्रोगेट्स में भी अगर हम बात करें तो टू टाइप के गैमेट्स मिलते हैं मेल और फीमेल आ जो मेल होता है वो स्मॉल होता है एंड जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है ठीक है स्मॉल वन इज़ माइक्रो गैमेट जिसको बोला जाता है जो मेल गैमेट होता है और इसको क्या बोला जाता है स्पर्मेटा जुआ ओके एंड लार्ज गैमेट जो होता है उसको गैमेट बोला जाता है जो फीमेल गैमेट होता है और इससे क्या बनता है ओवा बनता है ओके मेल गैमेट को स्पर्मेटा जुआ बोला जाता है और ये माइक्रो गैमेट होता है और फीमेल गैमेट को ओवा बोला जाता है जिसे जो क्या होता है गैमेट होता है लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है सेकेंड स्टेप हेयर इज द गैमिट ट्रांसफर गैमिट ट्रांसफर क्या होता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट्स इज मोटाइल बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है मोटाइल होता है चलनशील होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है एंड द फीमेल गैमेट इज़ नॉन मोटाइल और जो फीमेल गैमेट होती है वो क्या होती है नॉन मोटाइल वो है वो एक फिक्स जगह पर स्टेबल रहती है या रुकी हुई रहती है द मेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेल गैमिट फेल टू रीज़ द फीमेल गैमिट जो मेल गैमेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि उनमें से लार्ज नंबर ऑफ जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स वो फीमेल गैमेट के पास पहुँच ही नहीं पाते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेसन और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उसमें जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की उसके द्वारा पहुंचता है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फर्टिलाइजेशन इवेंट इन दिस स्टेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इस स्टेज का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है फ्यूजन ऑफ गैमिट्स हैप्लॉइड जो कि हैप्लॉइड गैमिट्स हैं मेल एंड फीमेल उनका क्या होता है फ्यूजन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जैगोड और एक फॉर्म होता है डिप्लॉइड जैगोड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन और इस प्रोसेस को या तो सिनगैमी बोला जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन बोला जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट जो हैप्लॉयड सेल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं और उनसे एक डिप्लॉइड हैप्लॉयड हेप्लॉयड मिल करके एक डिप्लॉयड जयगोड का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है इफ़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ है यानी कि मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बल्कि फर्टिलाइजेशन उनके बाहर के इन्वायरमेंट में हो रहा है तो इसको क्या बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ऐसा किसना होता है एग्जाम्पल इसके हैं एल्गीज एम्फीबियंस फिशेस एक्सेट्रा ओके इफ दिनगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन और अगर फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके एग्जाम्पल है फंगीज रेप्टाइल्स बर्ड्स हायर एनिमल्स एंड प्लांट इन सब में फंगीज में रेप्टाइल्स में बर्ड्स में हायर एनिमल्स और प्लांट्स में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ओके तो इसको क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेनली होता क्या है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉयड जयकोड का फॉर्मेशन होता है ठीक है और फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें मेनली टू टाइप का होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स फ्यूज होते हैं जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल एल्गीज़ एम्फीबियंस फिशेस एक्सेट्रा हैं और इंटरनल mm, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फंगीज, रेप्टाइल्स बर्ड्स हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में दिखाई देते हैं एंड द लास्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लास्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जायगोड डेवलपमेंट होता है एंड एम्ब्रियोजेनसिस होता है वट इजगोड डेवलपमेंट द जायोड इज फॉर्म्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होने वाले ऑर्गनिज्म में है उन सब में जायोड का फॉर्मेशन जरूर होता है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गनिज्म तो जो जाइोड का डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है मेनली वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है और वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जैसे इंसेक्ट का अगर हम बात करें जायगोड डेवलपमेंट की तो सबसे पहले उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो फोर स्टेजेस में चलती है सबसे पहले एग स्टेज फिर उसका प्यूपा स्टेज फिर लार्वा स्टेज एंड लास्ट में अडल्ट स्टेज तो उस हिसाब से उसका क्या होता है जेगवोड डेवलप होता है और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कोई एग्स तो बनते नहीं है मेल और फीमेल गैमेट्स से डायरेक्ट एक दूसरे से फ्यूज होकर के जायगोट फॉर्म करते हैं और जायगोट फॉर्म होने के बाद एक इम्ब्रियो बनता है और उसी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर के एक इन्फेंट या बेबी बनता है नेक्स्ट स्टेप इज इम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम द जायोड इज कॉल्ड इम्ब्रियोजेनिस जयगोड से इम्ब्रियो के फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है इम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है जयगोड अंडरगो माइटोटिक सेल डिविजन एंड सेल डिफ्रेंटिएसन माइटोटिक सेल डिविजन को आपने क्लास एलेवंथ में पढ़ा था एक सेल से दो समान सेल बनती हैं तो जो जयगोड होता है सबसे पहले वो माइटोटिक सेल डिविजन से गुजरता है एंड आफ्टर दैट सेल डिफ्रेंटिएसन सेल डिफ्रेंटिएशन मीन्स होता है जो जितने भी टाइप की सेल्स बननी है उनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन डिवाइड होना ओके सो दिस इज अवर वी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी थैंक यू